शरीर को त्याग मेरे गर्भ से जन्म ले और तब तो राजा की गोद में बैठ सकता है। आज जो ध्रुव जी बड़े बालक हैं, जो सौतेली माँ की बात सुनी तो बात शुभ की, माँ के पास में चले गए, रो रहे हैं, हफसा रहे हैं, आवाज नहीं निकलती है। जैसे सांप का डंडा मारो वो जो है फड़फड़ाता रहता है, ऐसे ध्रुव जी की स्थिति है। सुनीते ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा था, आवाज नहीं निकलती। छोटे छोटे बालकों ने कहा कि माँ आज राज दरबार में इसकी बेइज्जती हुई है। अब सुनीति भी रोने लगे, बोले ठीक कहा सुनीति ने, सत्यम सोरोचा विहितम भवामे यद्दुर्भगाया पुनरिगृहीतः। बोले बेटा बहुत बढ़िया कहा सुनीति ने, मुझे रानी कहने में राजा को शर्म आती है। उसने जो कहा भगवान का भजन कर, वही तेरा मेरा कल्याण। अब ध्रुव जी महाराज की 5 वर्ष की अवस्था है, न पढ़े हैं न लिखे हैं। आधी रात्रि में माँ के कहने से घर से निकल गए, अच्छे कर्म करने के लिए जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए। कोई गुरु नहीं है, किसका भजन करें क्या करें। तब तब भगवान की प्रेरणा से हरे गुण गाते, वीणा बजाते, प्रेम सरसाते, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भद्रे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दासा कीर्तन करते हुए नारद जी मिल गए, अच्छे काम का संकल्प करेंगे तो गुरु मिल जाते हैं। नारद जी ने कहा कि देखो तो सही, 5 वर्ष की अवस्था, ओ तेज क्षत्रियानाम मान भंग मम ऋषता, क्षत्रियो का बालक 5 वर्ष की अवस्था है, न पढ़ा है न लिखा है, घर से निकल गया। सिर में नारद जी ने हाथ रख दिया, बोले बेटा ध्रुव तू राजा की गोद में बैठना चाहता, चल मैं तुझे ले चलता हूँ। ध्रुव जी ने कहा, नहीं नारद जी, मेरी माँ ने कहा भगवान का भजन करना, अब तो मैं तभी लौटूंगा भजन करना। बोले बेटा तेरी माँ ने बहुत बढ़िया कहा, जाओ तुम मधुबन में और जितना ये सारा संसार है भगवान का रूप है, भालू की मूर्ति बनाना, पूजा करना, और मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो साक्षर मंत्र है। आप लोग भी हाँ चलते उठते बैठते आजकल तो बोले कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सिद्ध मंत्र है। नारद जी ने जो ध्रुव जी महाराज को मंत्र दे दिया। अब उधर जो गुरु मिल गए, ध्रुव जी महाराज जो मधुबन के वास्ते मथुरा के वास्ते गए हैं, इधर उत्तान बाद जो बड़े उदास है। नारद जी आगे बोले, कैसे उदास हो। तो उत्तान बाद ने कहा, सुतो में बालको ब्रह्मन स्त्रेणे ना करुणात्मना। हे नारद जी, मेरे मैंने जो अपने बालक को घर से निकाल दिया है, पता नहीं उसका क्या होगा। नारद जी ने कहा, तुम्हारा बालक 6 महीने में ऐसे कर्म करके आएगा जैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। अब ध्रुव जी महाराज मधुमन में भी, और पहले मैंने त्रिरात्रांधे कपित्ता भद्रासन, 2 दिन कुछ नहीं खाया, और तीसरे रात्रि में 3 दिन में जो है बेर के फल खा करके पहले मैंने पूजा की, दूसरे मैंने छठे छठे दिन घास फूस खा करके पूजा की, तीसरे मैंने जो है 9वें दिन में जल का भक्षण करके पूजन किया है, चौथे मैंने 12वें दिन में केवल वायु का भक्षण।
और पंचमे मासन प्राप्त जित श्वास हो निर्बात मिल जाओ। पांचवा महीने लग गया प्राणवायु को जीत गया, सारा जो ये संसार है सबको हृदय में कैद कर लिया। अब प्रजा सत्य मल मित्र के दरवाजे पर घबरा गई, ब्रह्मा जी के साथ में भगवान के पास में गई। महाराज वेदामो भगवान प्राण रोधम चरा चरस्य सत्वधम। हम नहीं जानते ये सबके जो है पेट कैसे फूल रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उत्तान पादिर्मयी संगतात्मा। उत्तान पादस्य, उत्तान पाद का जो बेटा है वो मेरा भजन करता है, मैं जाता हूं। देवता लोग चले गए। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मधुर वनम भृत्य दीदृक्षया गतः। मधुबन में भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, दृष्टुम इच्छया इति दीदृक्षया, दर्शन करने के लिए। ये तो है भागवत की परंपरा, भगवान से बढ़कर के भगवान का भक्त और भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम। तो मोरे मन अति विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान से बढ़कर के भगवान के भक्त हैं और भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम है। इसीलिए तो हम कहते हैं हनुमान जी को पकड़ो। और आप लोग जितने कथा में बैठे हैं संस्कृति के चक्कर में जाना मत पड़ना बना, तो श्री कृत राम चरित मानस पढ़ लो, सुंदर कांड पढ़ लो तो क्या बात है, नहीं तो सब पढ़ो। चाहे एक दोहा पढ़ो, दो पढ़ो, पांच पढ़ो, लेकिन जीवन में पढ़ो जरूर। यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, संस्कृति के चक्कर में जरूरी नहीं है, संस्कृति का विषय बड़ा कठिन है। एक सब संस्कृत में विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सब सबके पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते बूढ़े हो गए। मित्र और मित्रम, मित्रा के आगे पिसर के तो सूर्य और बिंदु लगाए तो मित्र, संस्कृति के चक्कर में मत पड़ो। आप लोगों को क्या करना है, तुलसी कृत रामचरित मानस पढ़ लो। वो कोई भागवत से कम नहीं है, भागवत के बराबर ही है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। सारे पुराणों का अपनी शब्दों का सार है रामचरितमानस। तो मोरे मन अति विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बढ़ के भगवान के भक्त हैं और भगवान से बढ़ करके आप भगवान का नाम होता है। भगवान में वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के नाम में है। तो भगवान ने कहा मैं ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, मधुबन में गए हैं, ध्रुव जी के जो ज्ञान को हटाया है। अब ध्रुव जी ने जो सामने पर भगवान को देखा, धन्यवाद प्रणाम किया, कुछ बोलना चाहते, पढ़े नहीं लिखे नहीं, भगवान ने लिया अपना शंख भी घुमाया और शंख को लेकर के जो ध्रुव जी की दाहिने गाल में घुमाया है। स्पर्श बालम कृपया कपोली, दाहिने गाल में क्या है, सरस्वती का वास। और संघ क्या है, वेद में। सो ध्रुव जी को उस चीज में शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है। युन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है, प्रभु जब तक आप हैं तभी तक चलना उठना बैठना खाना पीना सब है। भक्ति मोह प्रवाह काम कहीं मेरी प्रसंग, मुझे बार बार आपके भक्तों का संग। भगवान ने कहा ध्रुव जी तुम राजा की गोद में बैठना चाहते थे, बोलो तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करोगे। तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम जंगल में खेलने के लिए जाएगा, उसको जो एक यक्ष मारेगा, उसकी माता ढूंढने के लिए जाएगी, वो वहीं मर जाएगी। आखिर में एक उत्तर की तरफ एक गद्दी है जिसकी सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं, कहा वो गद्दी तुमको मिलेगी।
हम ध्रुव जी महाराज को भगवान वरदान दे करके अंतर्धान हो गई। उधर ध्रुव जी महाराज रास्ते में चल रहे हैं, कह रहे देखो तो सही, भाग्यम भरति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम, मैंने मोक्ष पति से संसार के सुख मांगा, भाग्य में होता है तो मांगा भी जाता है, भाग्य में होता तो कथा भी सुनने में आती है। ये तो कथा का सुनना बड़ा मुश्किल है, भाग्य में होता तो ही हमको अच्छे लोग मिलते हैं। भाग्योदय नमो जन्म समार्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तभी सत्संग मिलता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदः, सत्संग में जाकर के क्या होगा कि भगवान की महिमा का पता चलेगा। सत मना हमेशा सत्संग में जाके क्या होगा, परमात्मा का संग, हम चाहे दुखी हैं सब भूल जाते हैं, तो भगवान की महिमा को समझते हैं, तब भगवान के प्रति होगी श्रद्धा, फिर हो गया प्रेम, और फिर जाकर के भक्ति हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग की महिमा बड़ी भारी, सत्संग की महिमा। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं भाग्य में होता मैंने मोक्ष पति से संसार के सुख को मांगा है। चमदम ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं, एक दूत ने जाकर के राजा से कह दिया कि महाराज उत्तानबाद आज ध्रुव जी आ गई। उत्तानबाद बड़ा प्रसन्न हो गया, निकाला गले का हार और ध्रुव जी के गले में, ये जो है नौकर के गले में हार पहना दिया। अब तो रानियों के साथ में, दासियों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में, मंत्रियों के साथ में ध्रुव जी के स्वागत के लिए चले हैं। अरे जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हो सब कोई, श्री राम जय जैसे पानी काम आता है हमेशा नीचे, पानी का स्वभाव है नीचे बहना। अब क्यों बहता है वो भी बहुत बड़ा कारण है, पर पानी बहेगा हमेशा नीचे, आग हमेशा जाएगी ऊपर। अब आप लोग तो कुछ और सिद्धांत बता रहे हैं, ये न्यूटन का सिद्धांत, फलाना सिद्धांत, ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन वास्तव में हमारे हिसाब से देखा जाए तो पानी कहां से होता है, एक है अंश और एक है अंशी। अंशी कौन है, समुद्र, समुद्र में से जब आता है बादल तो पानी पड़ता है, और ये जल क्या है, अंश। दीपक जला रहे हो ये क्या है, अंश। अंशी कौन है, सूर्य, तो अंश हमेशा अंशी में मिलेगा। पानी क्या है, अंश, समुद्र क्या है, अंशी, तो अंश हमेशा अंशी में मिलेगा, इसलिए समुद्र में जाता है, इसीलिए आग ऊपर जाती है। और जीवात्मा क्या है, अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम ये अंश हैं, हमेशा परमात्मा से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, इसलिए ये सब कर्म करते हैं। तो बोले हनुमान जी महाराज की, अब समझा आया ध्रुव जी के स्वागत के लिए, क्यों भगवान के दर्शन हो गए, तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हो सब कोई, समाने स्वागत के लिए। अब आज ध्रुव जी महाराज ने पहले अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया, बोले माँ सुरुचि, यदि तुम मुझे कट वचन नहीं कहती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। फिर अपनी माँ सुनीति से मिले हैं, नेत्रों से जल की धारा बहने लग गई है। उत्तानबाद महाराज से मिले, सबसे मिलकर के आए, उत्तानबाद महाराज ने ध्रुव जी को राजगद्दी में बैठा दिया, इनके दो विवाह कर दिए। ये शादी विवाह क्या, भक्ति, बहुत घूमता घामता, बोले पंडित जी शादी कर दो सुधर जाएगा। तो ध्रुव जी के दो विवाह कर दिए, उत्तानबाद महाराज चले गए। अब एक समय ये उत्तम जगह में शिकार खेलने के लिए गया, यक्ष ने मारा, इसकी मार ढूंढने के लिए गए, उनको भी जो यक्ष ने मार दिया, वो भी वही मर मारा गए। ध्रुव जी महाराज गए हैं कि लाखों यक्ष लड़ने के लिए गई, एक समय में तीन बाण छोड़े हैं, एक एक कनपट्टी पर एक माथे पर। आखिर में ध्रुव जी महाराज जो है बड़े क्रोध में है, यक्ष ने माया का प्रयोग किया, वही भगवान थे, उन्होंने नारायण मंत्र को दिया है। अब इन्होंने स्वयं मनुष्य से कहा, महाराज आपका नाती आज बड़े क्रोध में,
राय मुंह मनवाए बोले अरे ध्रुव एक के बदले तो उन्हें लाखों मार गए ये ठीक नहीं है। नायम मार्गो ही साधो ना ऋषि केशानु वर्तमना, ये अच्छा मार्ग नहीं है, एक के बदले लाखों। तो भगवान से बढ़कर के कौन है? संत। ध्रुव जी को दर्शन हो गए लेकिन गुस्सा आ गया, और जब संत के दर्शन हो गए तब गुस्सा नहीं आता। तो इसीलिए कहा हमने भगवान से बढ़कर के भगवान के भक्त हैं, संत होते हैं, और भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम है। तो ध्रुव जी ने क्रोध को त्याग दिया। अब कुबेर आया, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा आपके चरणों की भक्ति मिली रहे। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। आखिर में बद्रिकाश्रम में गए हैं, भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए कि बोले बैठो ध्रुव जी। इसमें ध्रुव जी सबसे मिले हैं, बैठने को तैयार। तब तक एक काला कुरूटा पुरुष आया, बोले महाराज मैं काल हूँ, मृत्यु हूँ, आप मेरी खोपड़ी में लात मार करके बैठो। सो ध्रुव जी ने मारी काल की खोपड़ी में लात और बैठ गए विमान में। चले थोड़ी दूर, बोले भाई विमान को कहा क्यों कि मेरी माँ चले तो मैं चलूं, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, जिस माँ की कृपा से मुझे गद्दी मिल रही है। बोले ध्रुव जी आगे क्या है? कि पुरा याने गच्छति, तुम्हारी माँ तुमसे पहले आगे वाले विमान से जा चुकी है। अब ध्रुव जी महाराज गद्दी के वास्ते गए, जिसकी जो है 87 परिक्रमा करते हैं। तो ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। और यह ध्रुव जी का जो चरित्र है, नारद जी महाराज ने जो है प्रचेता गुरु के यज्ञ में गाया कि आज मेरा चेला काल की खोपड़ी में लात मार करके दिव्य धाम के वास्ते गया। इसलिए तो पंडित लोग जब शादी विवाह कराते हैं तो रात में कहते हैं ध्रुव तारा के दर्शन में ना। अभी आप लोग तो ठीक हैं, जैसे पंडित जी कहेंगे वैसे हो जाता है, और नीचे के बड़ा बुरा हाल बना। आजकल की शादी विवाह देखा जाए तो फोटोग्राफी पर है, पंडित जी के मंत्र छूट जाए लेकिन फोटोग्राफी नहीं छूटी। पंडित जी महामंत्र बोल रहे और बलाज में जूता पहन के आ गया, अरे पंडित जी आग जलाओ, पंडित जी तेरे बाप के नौकर है क्या? तो आप लोग बड़े बढ़िया हैं जो अच्छे ढंग से शादी विवाह कराते हैं। अरे जिस शादी विवाह को ठीक होना चाहिए, नीचे क्या कहते हैं? बोले अरे पंडित जी कर दो, 10 मिनट में ले लो दक्षिणा, हो गया काम, अपने यहाँ बढ़िया है। तो बड़ा भारी अंगद चरण कमल चापत विदिनाना। आप लोग बड़े भाग्यशाली जो उत्तराखंड में जन्म मिला, बढ़िया संस्कार होते हैं, बढ़िया शादी विवाह सब कराते हैं, करते हैं। तो ये ध्रुव जी की जो है कथा बताई। हम सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ये प्रचेता गण कौन है? तो ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके एक अंग राजा हुआ, और ये अंग एक समय जंगल में घूम रहे थे, एक बड़ी सुंदर लड़की देखी, उसके साथ में विवाह कर दिया। राजसूय ने यज्ञ ठहराया लेकिन कोई संतान नहीं। ब्राह्मण से पूछा महाराज देवता लोग क्यों नहीं आते हैं? राजसूय यज्ञ में देवता क्यों नहीं आ रहे? ब्राह्मणों ने कहा हमारे मंत्र बिल्कुल सही। राजा ने कहा मेरा धन बिल्कुल सही है। कार्य की सिद्धि है दो चीजों पर, एक तो ब्राह्मण का मंत्र ठीक होना चाहिए और धन भी एक नंबर का होना चाहिए। मंत्र दो नंबर के तो काम नहीं बनेगा, धन दो नंबर का तो काम नहीं बनेगा। कई बार कहते हैं पंडित जी अनुष्ठान कराया काम नहीं बना, बनेगा कहां से? दो नंबर के तुमने पैसे लगाए। तो एक नंबर का काम होगा ब्राह्मण, एक नंबर धन एक नंबर का तो काम बनेगा। ब्राह्मण ने कहा हमारे मंत्र बिल्कुल सही। राजा ने कहा मेरा धन बिल्कुल सही है, क्यों नहीं आते लेता? वही बैठे थे, उन्होंने कहा आपकी कोई संतान नहीं है इसलिए आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते।
क्या करो, पहले करो पुत्रेष्टि यज्ञ। क्या चाहिए सामान? सामान ये है डोली मोली चावल कलावा इतने दिन फूल फल दूध दीप नहीं संकल्प बदलना है। बस संकल्प बदला गया तो यज्ञ किया गया तो समय आने पर अंग महाराज के यहाँ से बेन नाम का बेटा हुआ है और ये बेन पर आ गए नाना नानी के गुण। इसका नाना था राक्षस। इसीलिए जब हम शादी विवाह करते हैं तो कहते हैं उनका वंश ठीक है, कहीं हमारा वंश भी नहीं जरूरी। लड़के के ऊपर आते हैं बाप दादा के गुण, या आते हैं नाना नानी के वंश के। तो बेन के ऊपर नाना नानी के वंश के गुण आ गए। बुरे बुरे जो है कर्म करने वाला अंग ने कहा बढ़िया बन कलपत्यम वरम बनी है ये कुपुत्र वहा बढ़िया अच्छी संतान होती मैं माया ममता में बस जाता। अंग महाराज चले गए हैं। अब प्रजाओं ने जो है बेन को गद्दी पे बैठा दिया। बेन ने कह दिया मैं यस्तव्यम न दातव्यम न हो तव्यम विजा कुचित, कोई नहीं यज्ञ करेगा न कोई नाम लेगा पूजा पत्नी सब बंद। और कहेगा कोई बुरा कर्म करेगा उसको फांसी, चोरी करेगा फांसी, ढाका डालेगा फांसी। ब्राह्मणों ने कहा कि बेन तुमने ये बढ़िया कहा, चोर डाकू बंद हो गए और ये भारतवर्ष है पूजा होने जा। निर्भवर्यते हे राजा के बालक बेन हमारी बात को सुन, तुम्हारी आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, भारत वर्ष में पूजा होने जाओ। बेन ने कहा ब्राह्मणों को बालिशा बतियो यम अधर्मे धर्म मानी हे मूर्ख ब्राह्मणों कौन है वो तुम्हारा यज्ञपति? मैं यज्ञपति हूँ राजा। ब्राह्मणों को जो मूर्ख का ब्राह्मणों ने हुंकार किया उसी समय धड़ाम से बेन गद्दी से नीचे गिर गया। अब क्या करें राजा नहीं, फिर चोर डाकू हो गए। किसी ने जाते समय इसकी माँ से कहा था इसका तेल, इसका शरीर तेल की कढ़ाई में रख दो। किसी ब्राह्मण ने कहा भैया ये तो ये दशा बन गई जैसे लकड़ी के बीच में कीड़ा फंस जाए, इधर से भी आग लगे उधर से भी आग लगे। राजा बना तो मुश्किल, राजा नहीं तो मुश्किल, क्या करें? बोले यदि बेन का शरीर हो तो काम बनेगा। फिर बेन के पैरों का मंथन किया, एक काला कलोटा पुरुष हुआ। अरे ब्राह्मण निषिद्ध बैठ, अरे क्या करूं? ब्राह्मणों ने कहा निषिद्ध। फिर तीसरी बार कहा तो ब्राह्मणों ने कहा निषादो बहु दुर्मते, तू निषाद बनेगा। वही हुए हैं बहिरिया जाति। भुजाओं का मंथन किया तो तेने अंग से जो है प्रथम महाराज का भाई अंग से अर्चिका जन्म हुआ है, साक्षात भगवान की अवतार है। बोले प्रथम महाराज की प्रजा इनके पास में गई, वयम राजन जाता रहे ना वितत्ता, हमको बड़ी जोर की भूख लगी है। प्रथम महाराज ने लिया धनुष बाण, गाय ने बना दिया, पृथ्वी ने बना दिया गाय का रूप। गाय ने कहा तुम मुझे मारोगे? बोले तू गाय नहीं है, तू है पृथ्वी, तूने अपने में शोक लिया है। बोले यदि मुझे मारोगे कहां बसाओगे प्रजा को? अपनी बाण के रूप पर पृथ्वी समझ गए साक्षात भगवान है, कहा पृथ्वी को समान करो और जिसका जैसा पात्र वैसा दो दोहन करो। ऐसे जो है किया गया है, ब्राह्मणों को विद्या मिली, सर्पों को जो है जहर मिला, ऐसे करके लंबी चौड़ी कथा है। आगे में एक समय प्रथम महाराज ने जो है 100 यज्ञों का संकल्प किया, 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100 यज्ञ में घोड़े को चोर करके इंद्र ले गया। इनका बेटा विजयतासु जाता है, इंद्र कभी बन जाता सन्यासी, और ये तो सन्यासी है। घोड़ा लेकर के आए, फिर दोबारा ले गया, ब्राह्मण बन गया, ये ब्राह्मण है। आगे में उसने कहा प्रथम महाराज से कहा कि तुम्हारा जो बेटा है वो मारता नहीं है, मैं मारूंगा स्वयं। बोले ब्राह्मण जजमान दो यज्ञ में क्रोध नहीं करना, ये सबसे बड़ी शर्त है। यहाँ के जजमान ने बड़ी बढ़िया नहीं कहा क्रोध नहीं करना, और कई जजमान लोगों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन न ब्राह्मणों को क्रोध करना चाहिए न जजमान को। अक्रोधना शौच परहा सततम ब्रह्मचारिण, ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्रोध नहीं करे, झूठ नहीं बोले। ये ब्राह्मण के लिए भी नियम है और जजमान के लिए भी नियम है। तो कहा तुम क्रोध मत करो। तो भगवान आए, बोले भगवान ने कहा अरे प्रथम महाराज आपके 99 यज्ञ हो गए, 100 यज्ञ करके इंद्र बनना चाहते, बोले ना तो बंद करो। एको न शतक क्रतु एक ऊन, 99 यज्ञ हो चुके हैं, यज्ञ को बंद किया है। एक समय इनके यहाँ सनत कुमार आए हैं, सनत कुमारों के लिए सोने का आसन मंगाया, इनके चरण धोए हैं। कहा जिस घर में ब्राह्मण के चरण नहीं धोए जाए कहा वो घर तो शमशान के तुल्य है। बातचीत होने लगी। सनत कुमारों ने कहा तुम भगवान का जो है भजन करना। प्रथम महाराज से कहा वरदान मांगो। प्रथम महाराज ने कहा वरदान देना है, हे प्रभु मेरे 1000 कान।
बोले क्या करोगे 1000 कानों से संसार की बातचीत? बोले नहीं, आपकी कथा को सुनेंगे। तो इतने मेरे कानों में सामर्थ्य आ गए। अगर मैं तुम्हारा जो है बानप्रस्थ में रहे, फिर जो है उन्होंने जो है भगवान का चिंतन करते करते शरीर को त्यागा है। इनकी जो पत्नी अर्ची प्रणाम करने के लिए गई, देखा पति का शरीर शांत है, चिता बना करके ये भी सती हो गई। देवता लोग कह रहे हैं ओहो ये मधुर धन्या यस्याचैवाम्भुभुजाम्भगिनी, ये स्त्री बड़ी भाग्यशाली है जो पति के साथ में सती हो गई। ये प्रथम आराय का चरित्र बताया, संक्षेप में सुना रहे हैं। इनके बेटा हुए आगे चल करके विजितास्व, विजितास्व के बेटा हुए प्राचीन बरही, इनके बेटा हुए 10 प्रचेता गण, और प्रचेता गणों से प्राचीन बरही ने कहा तुम जाओ भगवान का भजन करो। नारायण सरोवर में गई, जो बैठे तब तक जल में डमरू की आवाज सुनाई दी, भगवान शंकर के दर्शन हुए। शंकर भगवान ने इनको रुद्र गीत का उपदेश दिया है, इन्होंने भगवान की रुद्र गीत के द्वारा भगवान की स्तुति में लग गई। उधर प्राचीन बरही लगा हुआ है यज्ञों पर यज्ञ, प्राचीन माने पूरब की तरफ उषा को बिछा करके यज्ञों पर यज्ञ, कभी घोड़े का बलिदान, कभी भैंसे का बलिदान, कभी हाथी का, कभी जो है बकरे का यज्ञों पर यज्ञ कर रहा है। वह पहुंच गए, हाँ हो जाएगी 5:30 तक घाट पर। कौन सा घाट? समझान घाट नहीं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुबीर। वहां किसने मिलाया? हनुमान जी ने। हनुमान जी तो कह रहे हैं कि साक्षात भगवान है, तो हनुमान जी को पकड़ लो तो काम बन जाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की, बस हो जाएगी 5:30 तक। हनुमान जी की बड़ी कृपा है, तो कृपा करो गुरुदेव की नामी। और हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। 5:16 हो रहा है, हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक, 2 बजे कथा शुरू और समाप्ति की तो कोई सीमा नहीं है, पर फिर भी प्रयास करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, साधु बाप के पात्र हैं, आपके घर में जो कथा हो रही है उनके प्रेम के बहाने से या भगवान की कथा के प्रेम के बहाने से आप लोग जो आते हैं सब साधुवाद के पात्र हैं। व्यास गद्दी सबके कल्याण की कामना करती है और यही प्रार्थना करते हैं बार बार कि हे प्रभु आपकी हमारी सदबुद्धि बनी रहे। सदबुद्धि का खेल है, भगवान से मांगे तो बुद्धि सदबुद्धि। और अगर कैलाशी को बहुत याद है, भगवान इस कमल की स्तुति कर रहे थे, योगेश्वरो महासेना हर दिते योगिनी नंदन। आप लोगों को भी कल लेना चाहिए याद, बिल्कुल बड़ा बढ़िया। कल भी मैंने बताया था कि ऐसे चमत्कार एक मंत्र है, 3 बार पढ़ोगे नालायक से नालायक भी बुद्धिमान। और आप लोगों का तो वही क्षेत्र है भगवान कार्तिक स्वामी का। बोले कार्तिक स्वामी भगवान की, योगेश्वरो महासेना कार्तिके योगिनी नंदन, स्कंदा कुमार सेनानी स्वामी शंकर संभव, गंगेयस्तामृचूडश्च ब्रह्मचारी श्रीध्वज, तारकारी रुमापुत्र क्रौंचारी सनानन, शब्द ब्रह्म समूहश्च सिद्धासार स्वभोगः, सनत कुमारो भगवान भोग मोक्ष प्रद प्रभु, सर जन्मागणादेश पूर्वजो मुक्ति मार्गगत, सर्वागम प्रणेता च वांछितार्थ प्रदर्शकः। ये नाम है भगवान को तो पता नहीं कितना याद है, वो तो हम नहीं कर सकते बराबर, पर हमारे क्षेत्र में आए हुए भगवान कार्तिक जी के स्वामी हमेशा श्रद्धा है और यहाँ आकर के ज्यादा श्रद्धा होती है। इसलिए बोले कार्तिक स्वामी महाराज की, उन्हीं की कृपा से कथा पूरी हो जाएगी 5:30। तो प्राचीन भरे लगा हुआ, कभी घोड़े का बलिदान, कभी हाथी का, कभी बकरे का, कभी भैंसे का बलिदान पर बलिदान करता देख समय इसके ऊपर कृपा करने के लिए हर गुण गाते वीणा बजाते प्रेम सरसाते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण।
कीर्तन कर रहे हैं नारद जी आगे ही। नारद जी ने प्राचीन मरी से कहा, केरे प्राचीन मरी, इसके द्वारा होगा तेरा कल्याण। कथा अब जरा बड़ी गंभीर है, श्रोता बढ़िया तो सुना देते हैं, इससे होगा तेरा कल्याण। कभी घोड़े का बकरे का, बोले मेरे गुरु जी ने यही कहा। नारद जी ने लिया जल, इसके नेत्रों पर जो पानी लगा है तो देख रहा है, जिस घोड़े का बलिदान, हाथी का बलिदान, बकरे का बलिदान, वो सब खाने के लिए तैयार। बोले नारद जी बचाओ बचाओ, फिर जल लगाए तो स्वस्थ किया। बोले इससे नहीं होगा तेरा कल्याण। तो एक कथा इसको सुनाई, देख प्राचीन वाली, एक डाल पर रहने वाले दो हैं, एक का नाम है अभिज्ञात और एक का नाम है पुरंजन। आगे सब कथा समझा लेंगे। अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। न विज्ञायते जन्म कर्म भी इति अभिज्ञात। जन्म कर्म के द्वारा जिसको जाना नहीं जाए वो कौन है? परमात्मा। और पुरम जन कौन है? पुरम मन शरीर को पुरम, कर्म भी जनयति इति पुरम जन। कर्मों के द्वारा जो मिलता है वो कौन है? पुरम जन मतलब जीवात्मा। एक डाल पर रहने वाले कौन है? जीवात्मा और परमात्मा, अभिज्ञात और पुरम जन। फिर यह पुरम जन की इच्छा हुई संसार में घूमने की, कहीं बढ़िया नहीं लगा, सुमेरु की दक्षिण में आया। अब नौ दरवाजे का इसको एक बहुत दिखा है, अंदर जाने लगा तो एक लड़की आई, उसके खोपड़ी में पांच घन का सर। पुरंजन ने पूछा, मैं यहाँ रह जाऊं, उसे कौन है? बोले मैं नहीं जानती, किसे बने, किसने बनाया? बोले ये पांच घन का सर्प। बोले चलते उठते बैठते हमेशा मेरी रक्षा करता है। बोले मैं भी रह जाऊं? रह जाऊ। अब वो नगर में रहने लगे पुरंजन, और उसका नाम पड़ गया पुरंजनी। रह रहा है, बाल बच्चे हुए, एक बात उल्टी हो गई, पुरंजनी ने खाया तो ये भी खाया, वो रोई वो भी रोया, सोई तो ये भी सोया, स्त्री का गुलाम हो गया। एक समय जो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, वहां से वापिस आया, पहलेदार से पूछा, कहाँ पुरंजनी? नर नाथ न जाने मतप्रिया यद्यवश्यति भूतले निरवस्था रे शयाना पश्य शत्रुहन। हे शत्रुहन, हम नहीं जानते आपकी रानी को क्या हो गया, वो आज को भवन में पड़ी हुई है। पुरंजन गया तो देखा पुरंजनी ने काले कपड़े पहने हैं, माथे पर जो है सिंदूर लिए है, इधर से उधर जाओ, इधर आता है इधर हो जाते। पुरंजन गहराए वक्त्रम नते बीतलेकम मलिनम प्रहर्षम, कभी मेरा जरा सिंदूर के जरा माथा नहीं देखा, शांत करा। और कह रहा, देख पुरंजनी मुझसे गलती मिल गई, तुझे पूछे बिना मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हूँ, ये गलती मिल गई। तो उसकी लात लग गई। बोले बढ़िया हुआ तूने मुझे लात मार दी, मेरा अपराध क्षम्य हो गया, रहने लगे। बाल बच्चों का शादी विवाह किया, तब तक एक गंधर्व आया, उसके साथ में 720 की फौज, 360 पुरुष, 360 स्त्री, और स्त्री वाली आधी काली वर्दी की आधी सफेद वर्दी की। पुरंजन का नगर जो है ढीला हो गया। नारद जी कहा, तब तक एक काल कन्या आई, उसने मुझसे कहा विवाह करो, मैंने कहा मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं करूँ। तो उसने मुझको साथ दे दिया, जाओ नारद तुम हमेशा घूमते रहोगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने उस काल कन्या से कहा, तुम पंजाब में जाओ, वहाँ एक राजा प्रज्वार, उसका भाई है भय, और उसके जो है साथ में नौकर चाकर, सबसे तुम विवाह करो। सो ये काल कन्या सबके विवाह करते हुए पुरंजन के नगर में आ गई। अब तो पुरंजन चढ़ावा उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कह रहा मेरी स्त्री मिली, भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी, खाती नहीं थी, सो प्राण निकल गई। आखिर में स्त्री में ध्यान रहा तो दक्षिण भारत में एक राजा के यहाँ लड़की के रूप में जन्म हुआ, वहां भी राजा से विवाह हुआ, काफिर वहां बाल बच्चे हुए, पति के साथ में सती होने लगी। तब तक पूर्व जन्म का अज्ञात आ गया, हाथ पकड़ा और पकड़ करके उसका उद्धार किया। बोले राजन समझे? प्राचीन बरे ने कहा, हम कुछ नहीं समझे, आप लोग तो कई विद्वान समझ गए होंगे, नहीं तो को रहे हैं अभी तक, कुछ नहीं समझे। दोबारा कथा सुनाते हैं। एक डाल पर रहने वाले दो कौन है? पहले बता दिया, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। फिर हमने कहा था ये पुरंजन की इच्छा हुई घूमने की, कभी घोड़ा बना, गधा बना, बिल्ली बिलैया, अच्छा नहीं लगा। फिर हमने कहा था सुमेरु के दक्षिण में आया, सुमेरु का दक्षिण कौन है? भारतवर्ष। बड़ी बढ़िया कथा है यहाँ।
फिर हमने कहा था उसको एक नौ दरवाजे का भवन मिला, वो कौन है? मनुष्य का शरीर। जीवात्मा को भारतवर्ष में मिला शरीर। दो आंख, दो कान, दो नासिका, छह मुख, सात मलमूत्र के दरवाजे, नौ। जीवात्मा को शरीर मिला। फिर हमने कहा थी वहां मिली एक लड़की, लड़की कौन है? बुद्धि। मनुष्य स्त्री का गुलाम नहीं है, बुद्धि का गुलाम है। सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान है सब व्यवहार का कारण। बुद्धि ने कहा चुप हो जी, कथा में आ गई। बुद्धि ने कहा चुप हो जाओ जी, चुप हो गए, स्त्री का गुलाम नहीं है। फिर हमने कहा पांच फल का आजकल वो कौन है? पांच प्राण, प्राण अपान ज्ञान समान और उदान। शरीर मिला, शरीर में मिली बुद्धि, बुद्धि में पांच प्राण। फिर हमने कहा था वो शिकार खेलने के लिए गया, शिकार खेलना क्या है? स्वप्न देखना, सो रहे हैं। किसने कहा पंडित जी तुम्हारी माँ मर गई? रोने लगी। किसने कहा नहीं मरी, नींद खुली, न पहला सत्य है न दूसरा सत्य है। तो शिकार खेलना क्या है? स्वप्न देखना। हमने कहा था स्त्रियों ने लात मारी वो कौन है? जागृत अवस्था की बुद्धि, स्वप्न अवस्था की बुद्धि को लात मारती है, यही वहां स्त्री है बुद्धि। फिर हमने कहा था एक गंधर्व आया, गंधर्व कौन है? साल, 720 की फौज, 360 दिन और 360 का था स्त्रियां, आदि काली वर्दी की कृष्ण पक्ष की रात्रि, आदि शुक्ल पक्ष की रात्रि। फिर हमने कहा था काल कन्या कौन है? बुढ़ापा, सबको बुढ़ापा है। इस प्रकार से हे राजन ये जीवात्मा घूम रहा है। प्राचीन बहु ने कहा गुरु जी मैं आप चेला बन जाऊंगा पर मेरे बेटा आ गया। बोले अरे पढ़ा लिखाया जात, फिर भी 16 दिन आठ इतनी कथा सुनाई और फिर विक्रम जो कहती हूँ वैसे ही देख। एक कुआं है, कुआं में बीच में एक पेड़ है, पेड़ की डाल पकड़ रखी है, ऊपर से एक शेर है, नीचे अजगर है। पेड़ की जड़ को काटते हैं चूहे, देख रहा चूहे काटते हैं, ऊपर आता शेर, नीचे गिरता अजगर, ये कौन है? दिन रात रूपी चूहे। जैसे हम कल थे वैसे आज नहीं। शेर कौन है? मृत्यु। अजगर कौन है? काल। उसको छुड़ा करके उसने भगवान का भजन किया है। ये प्रचेतागण जो जल से बाहर आई साक्षात भगवान के दर्शन हुई।